हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं दो चार दिन मैंने आपको कोई लेक्चर वीडियो आपको नहीं दे पाया, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी और आज भी कोई ख़ास अच्छा नहीं फील हो रहा है। बट मैं आपको ये लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, दो लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बुक की जो एक्सरसाइज है आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप मुझसे डिस्कस करें। ओके, अब ये कुछ और भी कॉन्सेप्ट है मुझे बता देने हैं और यहाँ से आप अपने एक्सरसाइज 1C तक के क्वेश्चंस को आप क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो टॉपिक लिखा गया है वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ नंबर, कि आप नंबर की कंपेयरिंग जो करते हैं वो कैसे आप करते हैं। तो इसमें ये है कि जब आप नंबर की कंपेयरिंग करेंगे तो किस लिए कर रहे हैं, आप यही फाइंड आउट करने के लिए कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। ओके, तो इसलिए आप नंबर की कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी बेस पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो भी बातें हम समझते हैं। तो आइए बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमको नंबर की कंपैरिजन करनी होती है आपस में, ओके, तो वहाँ पे ये पहले हमें देखना चाहिए कि जो दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबर के पहले आप डिजिट्स काउंट कर लो। ओके, अगर हम उनकी डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं तो अगर किसी नंबर में लेस डिजिट है और किसी में क्या है मोर डिजिट है, तो इसका मतलब कि जिसकी लेस डिजिट होगी वो स्मॉलर होगा और जिसमें मोर डिजिट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, तो द नंबर विच लेस डिजिट इज लेस देन द नंबर मोर डिजिट, जिसका ज़्यादा होगा वो। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो आप, ये जो नंबर है 6057894, इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो आप देख रहे हो कि इसमें जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपके 7 डिजिट्स हैं और इधर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, इधर आपके 6 डिजिट्स हैं और इधर आपके कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं। अब ये बताओ 7 ग्रेटर होगा या 6 ग्रेटर होगा, तो बोलोगे सर कि 7 ग्रेटर होगा। तो जब 7 ग्रेटर होगा तब इस चीज़ ध्यान देना कि ये जो साइन लगी हुई है, ये जो साइन लगी है, तो ये जो ओपन माउथ होता है ये ग्रेटर को शो करेगा और जो ये क्लोज वाला होगा ये स्मॉलर को शो करेगा। ओके, तो जैसा कि आपको ये बात समझ रहे हो बच्चों कि यहाँ पे 7 डिजिट है और यहाँ पे 6 डिजिट है, तो ये वाला नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, इसलिए आपने साइन क्या किया, ऐसे लगाया। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। देखो अब यहाँ पे जब आप सेकंड क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो इसमें आप देख रहे हो कि 2 2 4 2 7, 7 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 2 2 4 2 6। ओके, अब देखो पहली बात तो ये कि मैंने ये बताया कि आप डिजिट्स काउंट करके आंसर दे सकते हो कि जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 6 था, तो आपने आंसर तो बता दिया। लेकिन कभी सिचुएशन ये हो सकता है बच्चों कि आपकी डिजिट क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए, क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो इस सिचुएशन में अब आप क्या करोगे, तो अब इस सिचुएशन में अब आपको करना क्या है कि इधर लेफ्ट साइड से, इस साइड से आप कंपेयरिंग करना स्टार्ट करोगे। ओके, लेफ्ट साइड इधर से दोनों ही नंबर में, तो आओ देखें कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हो कि इसके लेफ्ट में 7, यहाँ भी 7, इक्वल चल रहा है। इसके सेकंड नंबर को चेक करो, ये 8 है, इसका सेकंड क्या है, 8 है, इसका सेकंड ये 5 और इसका थर्ड ये क्या है, 6 है। तो आपने ये देखा कि 7 8 तो दोनों में कॉमन चल रहा था, इक्वल थे, लेकिन जैसे ही हम थर्ड डिजिट पे आए हैं लेफ्ट साइड से, तो इधर दिया है 5 और इधर दिया है 6, इसका मतलब कि ये नंबर हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट, अब आइए देखते हैं हमारा, आप देखते हैं कि टॉपिक क्या है, ये है असेंडिंग। असेंडिंग होगा क्या बच्चों, स्मॉलर टू बिगर, मतलब जो सबसे स्मॉलर नंबर होगा वो सबसे पहले होगा और जो सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर होगा वो सबसे क्या होगा, लास्ट में होगा। तो अब आप ये, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और भी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, और उसमें से आपको ये
सीक्वेंस क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। ओके, तो अब आप सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही आप कंपैरिजन करके आप ये पता लगा लोगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, और उस बेस पे आप इसको अरेंज करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम ए ऑप्शन में चेक कर रहे हैं। ओके, तो ए ऑप्शन में देख रहे हो कि बच्चों ये कितने डिजिट की है, तो देख रहे हो कि ये 6 डिजिट की है। ओके, उसके बाद इसकी कंपैरिजन किसी से भी कर लो। ओके, ये जो देख रहे हो 6 डिजिट है, इसमें कितनी है, सी में कितनी डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो कि 7 डिजिट है। आप देख रहे हो कि डी में कितनी डिजिट है, तो डी में देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी डिजिट है, 6 है। ओके, और जो आपका बी ऑप्शन है, बी में कितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी देख रहे हो कि 7 है। तो आप देखो ध्यान से, ये 7 डिजिट्स हो गया और ये 6 डिजिट्स हो गए। तो पहले हम कंपैरिजन कर लें ए और डी को, इसमें से हम ये पता लगा लें कि इनमें से सबसे स्मॉलर कौन है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हमारे ये पहले हम लोग ए को और सी को कंपेयर करेंगे। तो ए एंड सी में देख रहे हैं कि इन दोनों के जो डिजिट्स हैं वो 6 है, मीन्स इक्वल है। तो अब इक्वल है तो हम चेक करेंगे कौन स्मॉलर होगा कौन बिगर होगा। ओके, तो अब देखो लेफ्ट से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर देख रहे हो 3, इधर भी आपका 3 है, 7, यहाँ पे 6, तो यहाँ भी क्या है, 6 है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये 4 है और यहाँ पे देख रहे हो कि 5 है। तो 4 एंड 5 में कंपेयर करोगे तो बोलोगे सर 5 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जो स्मॉलर नंबर हो गया, सबसे स्मॉलर नंबर क्या है, ये है। इसके बाद कौन सा है, ये है। तो हमने ये देख लिया कि ये स्मॉलर नंबर, इससे थोड़ी सी ये क्या होगी, बड़ी होगी। अब आइए देखते हैं कि ये जो है और ये 7 डिजिट्स का है, इसमें भी हम लोग आपस में कंपेयर कर लें और देख लें कि क्या कैसे है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप लेफ्ट से कंपेयर करोगे तो इधर 4 है और इधर लेफ्ट में क्या है, 6 है। तो 4 एंड 6 से ये हम डिसाइड कर पाए कि यहाँ पे जो ये नंबर है ये लार्जेस्ट है और ये क्या है, इसके कंपेयर में ये स्मॉलर है। तो आइए इसको अरेंज करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो नंबर था ये सबसे छोटा वन प्लेस पे, ये जो नंबर है इसके बाद आएगा, इसके बाद थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ पे क्या आएगा, ये आएगा। तो सबसे स्मॉलर, इससे थोड़ा सा ग्रेटर, फिर इससे थोड़ा सा ग्रेटर ये, और सबसे जो ग्रेटर नंबर है वो कहाँ, लास्ट में, और सबसे स्मॉलर नंबर पहले। ओके, तो ये तो आपका असेंडिंग आर्डर हो गया। अब ये जो देख रहे हो कि ये है आपका डिसेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग आर्डर में होगा क्या बच्चों, कि लार्जर टू स्मॉलर हम लिखते हैं। ओके, अब जब लार्जर टू स्मॉलर लिखोगे तो सेम ऐसे ही कंपेयर करोगे। ओके, और इस सीक्वेंस को बस चेंज कर दोगे, इसको ला दोगे इसके जगह पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो सेकंड वाला है थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, और जो सबसे पहला है ये लास्ट में आ जाएगा। ओके, इसी की सीक्वेंस को बस चेंज कर दो, ऐसे लिखा गया है इसको ऐसे चेंज कर दो। ओके, तो ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग आर्डर। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि बच्चों कि आप लोगों को एक्सरसाइज 1C तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1C तक के जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दिया, आप सारे आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, बट हम मैं यहाँ पे आपसे 1C के जो आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे मैं इसी लेक्चर में मैं थोड़ी बहुत क्वेश्चंस को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, आइए देखते हैं। अब देखो आपका 1C एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल क्या रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द हॉली सैरिन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, हाउ मैनी पर्सन विजिटेड द सैरिन ड्यूरिंग। अब ये 2 में इतने इतने लोग गए हैं, पहले साल इतने गए हैं, सेकंड ईयर इतने लोग पहुँचे हुए हैं, कहाँ पे, वैष्णो देवी माता के क्या करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो पूछा कि कितने लोग गए हुए हैं, तो इन दोनों ही नंबर को आप क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ओके, आइए नेक्स्ट। सेकेंड, लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोड्यूस इतना बैग्स, सच बैग्स एंड समथिंग बैग। ओके, आप शुगर रिस्पेक्टिवली, तो हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाई ऑल 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि
फर्स्ट ईयर में ये इतना बैग प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड ईयर इतनी बैग, और थर्ड ईयर में ये। अब आपसे पूछा गया कि लास्ट ईयर में, लास्ट थ्री ईयर में वो जो फैक्ट्री है कितनी बैग प्रोड्यूस की हुई है, तो इन तीनों ही, तीनों को आप क्या कर लेना, ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए थर्ड देखिए, अ नंबर एक्सीड्स, ये एक नंबर है और इससे एक्सीड हो गया, कितना, इतना नंबर एक्सीड हो गया, तो व्हाट इज़ डैट नंबर, मतलब एक्सीड का मतलब ये होता है कि वो एक्स्ट्रा, मतलब ऐड हो गया, ओके, तो इन दोनों नंबर को ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, देर वर थ्री कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, ओके, सॉरी बच्चों, हाँ तो देखिए बच्चों, ओके, तो आइए अब देखते हैं फिफ्थ नंबर, सर्वे कंडक्ट ऑफ इंडियन, इतना पीपल है प्राइमरी, इतना, ये भी क्वेश्चंस आप कर लोगे, ओके बच्चों, आप ट्राई करना, आप ये सारे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, ओके। अब आइए इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर एट आपको बता देते हैं, ओके, तो आइए देखिए समझते हैं। अब देखिए एट में आप कैसे राइट डाउन करोगे, तो वहाँ पर आपने देखा कि जो उस सिटी की पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन वो कितना दिया हुआ है, इतना ये टोटल पॉपुलेशन है, ओके। उस टोटल पॉपुलेशन में आप देख रहे हो कि जो मेल पर्सन है वो मेल पर्सन की इतनी है उस पॉपुलेशन में, तो आपसे फीमेल पर्सन पूछ रहा है, तो आप ये समझ रहे हो कि जो सिटी में जो भी पॉपुलेशन है तो इसमें कौन कौन लोग होंगे, या तो मेल एंड फीमेल दोनों होंगे। अब मेल की नंबर आपको दिया गया, फीमेल पूछा गया है, तो टोटल पॉपुलेशन में से आप क्या करो, मेल की जितने मेल पर्सन है उसको माइनस कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन की संख्या आ जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ओके। अब आइए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें हमारा जो नाइन क्वेश्चन है, नाइन क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाई हाउ मच इज लार्जर देन इतना, मतलब ये पूछ रहा है कि जो ये नंबर है इस नंबर से कितना लार्जर है, तो इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को क्या कर लेना, माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट, टेन नंबर, हाउ मच, सॉरी बाई हाउ मच इज इतना स्मॉलर देन वन करोड़। अब बात ये आ गई कि स्मॉलर की बात आ गई, तो अब आप स्मॉलर में आप क्या करोगे, वन करोड़, इससे इसको माइनस करना होगा, ठीक है। लार्जर में तो इससे इसको माइनस कर रहे थे, लेकिन स्मॉलर में इस साइड से इधर माइनस करोगे, ओके। तो अब ये बात होगा कि सर वन करोड़, तो वन करोड़ में कितने जीरो होंगे, तो आइए देख लेते हैं, एक सेकेंड, तो देखो मैं इधर कर रहा हूँ, ये आपका वन हो गया, ठीक है, और वन में जब आप सेवन जीरो ऐड कर लो, कितने जीरो हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और इस नंबर में से इस वाले नंबर को क्या कर लेना, आप माइनस कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा टेन का, ओके। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोला है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू, मतलब इतना गेट करने के लिए इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आप इसी नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो नंबर मालूम चल जाएगा, ओके। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ओके। अब आइए इसमें से एक सोल्यूशन मैं आपको 15 का दे दे रहा हूँ, ओके, तो आइए देखते हैं। तो देखिए वो जो पर्सन है उन्होंने क्या किया हुआ है कि उनके पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है, वो इतना मनी उनके पास है, ओके, और उस मनी में से वो अपने वाइफ को कितना दे रहे हैं, ये मनी अपने वाइफ को दे रहे हैं, उसके बाद कुछ जो पार्ट बचा मनी का वो अपने सन को दे रहे हैं, अपने पुत्र को दे रहे हैं, ओके। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेस्ट मनी रिसीव्ड बाई डाटर, तो अब वो अपनी डाटर को रेस्ट मनी देते हैं, मतलब उनके पास जितना भी मनी है उसमें से अपने वाइफ को देने के बाद, सन को देने के बाद जो पैसा बच गया वो पैसा किसको दे रहे हैं, अपनी डाटर को दे रहे हैं। तो पहले ये देख लो कि उन्होंने अपनी वाइफ एंड डाटर को, सॉरी वाइफ एंड सन को कितना दिए हैं, तो इसको आप ऐड कर लो, इसको जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, ओके, ये वैल्यू मिलेगी। अब आप उस पर्सन के पास टोटल अमाउंट कितना है, ये, तो इस वाले में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो इतना जो रुपीज होगा वो किसको मिलेगा, डाटर को मिलेगा। अब आपको ये प्लस माइनस तो बच्चों करने आता ही है, तो मैं ये आपको समझा नहीं रहा हूँ, इतना आप समझ गए, मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ गए हैं, ओके। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ आज की क्लास की लास्ट। अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ तक 15 तक तो कर लिया, 16 को चेक करते हैं, 16 में आपके क्या क्वेश्चन है, 16 में ये बोला गया है, ओके, 16 में देखो, द कॉस्ट ऑफ चेयर इज
1485 रुपीज़, हाउ मच विल 469 सच कॉस्ट। मतलब वन चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वन चेयर की कॉस्ट 1485 है, और आपसे पूछा गया है कि 469 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, तो इस वाले नंबर में 469 से क्या कर दो, इनटू कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि बच्चों आप कर लोगे। आइए नेक्स्ट, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर अ चैरिटी शो, इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 625। अब देखो उस स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 1786, ओके, और जो ईच स्टूडेंट है वो कितना पैसा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 625। तो आप 1786 में 625 से क्या कर लेना, इनटू कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस इतना स्क्रू पर डे, एक दिन में वो इतना स्क्रू क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो हाउ मैनी स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। एक दिन में जब उतना कर रही है तो इतने दिन में आपको क्या करने होंगे, इनटू करने होंगे। आइए नेक्स्ट, मिस्टर भास्कर सेव इतना एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल सेव इन 13 ईयर, पर ईयर एवरी मंथ। वो देखियो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझ लो, एक जो पर्सन है मिस्टर भास्कर, उन्होंने क्या किया, पर मंथ वो वन मंथ में कितना रुपीज वो सेव कर रहे हैं, वन मंथ में वो सेव कर रहे हैं 8765, इतना रुपीज वो क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 13 ईयर में वो कितना पैसा क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, तो आइए इसको थोड़ा सा देखो बच्चों ध्यान से। तो आप जैसा कि जानते हो कि वन ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, 12 मंथ, एक साल में वो कितने मंथ होते हैं, 12 ईयर। अब आपको करना क्या है कि 13 ईयर में वो कितना कलेक्ट करेंगे मनी, तो एक साल में 12 मंथ, तो 13 साल में फिर कितने मंथ हो जाएंगे, तो इसको देखो, तो आप इसके लिए क्या कर लेना डायरेक्ट, एक साल में 12 मंथ, तो 13 साल में आपको इसको फाइंड करना है, तो इसको जब आप इनटू करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओके। हाँ तो देखिए बच्चों, तो इसको आप इनटू करोगे तो आप क्या पाओगे, 156 मंथ। मतलब 13 ईयर में कितने मंथ होंगे, 156 मंथ। अब देखो ध्यान से, ओके, और वो ईच मंथ वो कितना मनी सेव कर रहे हैं, 8756 रुपीज़ वो एवरी मंथ क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो 156 मंथ में वो कितना, तो आप इसमें करना क्या कि